अयोध्या आने वाले हर रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाए, सीएम योगी। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर माघ मेले की तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। माघ मेले का पहला स्नान 15 जनवरी को होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उत्तर प्रदेश दिवस, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की तैयारियों को गुरुवार को समीक्षा की एवं कहा कि यह अवधि राज्य की वैश्विक छवि चमकाने के लिए भी एक अवसर है। यह निर्देश एक विशेष बैठक में दिए, जिसमें अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज के मंडलायुक्तों ने तैयारियों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुति दी है। सीएम योगी ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला के बाल रूप के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का बहुप्रशिक्षित समारोह होने वाला है। देश विदेश में धर्म, राजनीति, उद्योग, विज्ञान, सिनेमा, साहित्य, कला सहित अनेक क्षेत्रों के लब प्रतिष्ठित जन संत समाज इसके साक्षी होंगे। गोरखपुर में भी मेला, उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति से गोरखपुर में खिचड़ी मेला और प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो रहा है। फरुखाबाद में भी प्राचीन काल से कल्पवास की व्यवस्था है। इसी माह 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के लिहाज में आने वाले समय अत्यंत संवेदनशील है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। यह समय प्रदेश की ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर माघ मेले की तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। माघ मेले का पहला स्नान 15 जनवरी को होगा। उन्होंने कहा कि हर श्रद्धालु, हर कल्पवासी अपने व्रत संकल्प की पूर्ति अपनी आस्था अनुरूप कर सके, इसके लिए हमें अच्छी व्यवस्था देनी होगी, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। साधु संतों और कल्पवासियों से संवाद बनाएं एवं भूमि आवंटन बेहतर ढंग से करें। कुंभ का पुनरभ्यास, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन प्रयागराज कुंभ 2025 का पुनरभ्यास है। प्रयागराज माघ मेले के प्रयास हो कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में खिचड़ी मेले की सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र को सुपर जोन जोन में बांटकर कार्य योजना लागू कर दी गई है। हर सुपर जोन की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को दें। जगह जगह जन उद्घोषणा प्रणाली, अग्नि सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके बाद अयोध्या आने वाले हर मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाए। अपरिहार्य स्थिति को छोड़ कहीं भी कोई वाहन ना खड़ा हो, यदि ऐसा होता है तो उस वाहन को तत्काल क्रेन से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस का समारोह है, पूरे प्रदेश को इससे जोड़ा जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।